हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा फुल डे रूटीन, और इसके साथ ही मैं अपना एक छोटा सा मेकओवर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसकी वजह से मेरे घर का पूरा लुक चेंज हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत की है हिमाद के टिफ़िन पैक करने से। यहाँ पर मैंने बनाया है लौकी की सब्ज़ी, जो मैंने थोड़ी सी ड्राई करके बनाई है, और ये मैं टिफ़िन में दे रही हूँ। वंस इन अ वीक मैं हिमाद को सब्ज़ी रोटी दे देती हूँ, क्योंकि उन्हें पसंद आती है सब्ज़ी रोटी भी खाना, लेकिन उन्हें ज़्यादातर जो है ना, जो मैं सैंडविचेस देती हूँ और जो रोल वगैरह देती हूँ, वो उन्हें ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन मैं उन्हें वंस इन अ वीक रोटी दे देती हूँ ताकि वो खा कर आए, लेकिन फिर भी ना ये भरोसा नहीं होता है कि वो रोटी खा के आएँगे, क्योंकि उन्हें ना खाने के टाइम बहुत लगता है, जल्दी जल्दी नहीं खाते हैं वो। तो मैं फिर भी दे देती हूँ, लेकिन अभी मैं साथ में एप्पल दे रही हूँ। अगर वो नहीं खाते हैं तो एप्पल से जो है ना, वो अपना काम चलाएंगे। और यहाँ पर ना मैं छिलका उतार रही हूँ, क्योंकि बच्चों को ना छिलका निकाल कर खाने की आदत है, लेकिन मैं फिर भी जो है ना थोड़ा बहुत रख देती हूँ। ये जो है मेरा एक ट्रिक होता है कि मैं थोड़ा सा छिलका उनको खिलाऊँ। वैसे पूरा ही छिलके के साथ खाना चाहिए, लेकिन अभी बच्चे नहीं खाते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत रख देती हूँ, और ये बोलती हूँ कि वो गलती से छूट गया है। तो यहाँ पर जो है मैंने कुछ सामान मंगाया था, और मेरे पास जो आटा है वो ख़त्म हो गया है। और मेरे साथ हमेशा ये होता है कि पूरा आटा ख़त्म होने के बाद मुझे याद आता है कि मुझे आटा पिसाना है। तो आज फाइनली आटा नहीं है, तो मैंने गेहूं मंगा लिया है। और ये सारा सामान जो है ना, जो है मैंने इधर बिखेर कर रखा था, और यहाँ पर अभी ये दूध वगैरह रख रहे हैं, जहाँ उन्हें फ्रिज में जगह दिख रही है ना, वो वहाँ पर डाल रहे हैं। और अभी जस्ट मैंने फ्रिज खोला ना, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो लहसुन मैंने कल रात को पीसा है ना, उसका सारा पानी निकल रहा है। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। मैंने क्या किया था कि अदरक लहसुन पीस कर जो है ना रख के मैं चली गई थी गाँव, और आने तक जो है ना सारा उसका जो पानी है वो सारा इस तरह से बह गया था। और मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि ये जो मैंने जार में रखा है, ये वाला जार ख़राब है या फिर ये ऐसे ही निकल रहा है। तो यहाँ पर ये जो जार का जो ढक्कन है वो बहुत ज़्यादा टाइट बैठा हुआ है, जिसकी वजह से उसमें प्रेशर लग रहा है और सारा पानी उसका रिलीज़ हो रहा है। तो मुझे इसमें से जो लहसुन है वो थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, थोड़ी सी उसकी क्वांटिटी कम करना पड़ेगा, तो वो बहेगा नहीं फिर। कल मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना कर रखा है, लेकिन मैं जो लहसुन लेकर आती हूँ ना, वो छिला हुआ लेकर आती हूँ, और वो थोड़ा सा अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो थोड़ा सा रीज़नेबल प्राइस में मिलता है। तो आधे लहसुन को जो है ना मैंने अदरक के साथ पीस के रखा है, और आधा लहसुन मैंने ऐसे ही रख दिया है, क्योंकि ज़्यादा हम पीस के रखते हैं तो फिर अदरक लहसुन ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब मुझे फ्रेश लगेगा तब मैं अदरक के साथ उसको पीस लूँगी। मोटा मोटा ही मैंने उसको दरदरा पीस के रखा है, ज़्यादा एकदम बारीक नहीं किया है। और यहाँ पर अभी जो हमारे नाश्ते के बाद के बर्तन है वो मैं वॉश कर रही हूँ। नाश्ता मेरा भी हो गया है, और बच्चों को तो मैंने करा ही दिया है, और हिमाद अभी स्कूल चले गए हैं। और जैसे ही हिमाद गए हैं, मैं अपने अभी कामों में लग गई हूँ, क्योंकि ऐसे होता है कि अगर बच्चों का स्कूल सुबह में होता है ना, तो आपके काम बहुत जल्दी निमट जाते हैं, सुबह सुबह ही निमट जाते हैं। लेकिन बच्चों के स्कूल दोपहर में होता है, तो सारा काम फिर दोपहर तक पेंडिंग रहता है। तो अगर हिमाद का स्कूल सुबह होता ना, तो फिर मेरे काम भी जल्दी हो जाते, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है ना बच्चों के जाने तक लगा ही रहता है। तो अभी 11:15 हो रहे हैं, और अभी जस्ट हिमाद गए हैं, तो यहाँ पर मैंने फटाफट अपने बर्तन वॉश कर लिए हैं। और अभी मुझे ये गैस का जो स्टोव है, ये भी थोड़ा सा ऑयली ऑयली लग रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको भी फटाफट क्लीन कर लेती हूँ। अभी थोड़ा सा पानी की जो हमारी प्रॉब्लम है, अल्हम्दुलिल्लाह से भी सॉल्व हो गई है, तो अभी ज़्यादा टेंशन नहीं है कि पानी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ना, वो चीज़ तो भी सॉल्व हो गई है। तो यहाँ पर अभी फटाफट हम इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर से पानी डाल रही हूँ, लेकिन ठीक है, कभी कभार धो लेते हैं तो ठीक है। भर दिए, बस हो गया, थैंक यू, वेलकम। अभी जाओ, मुझे साफ सफाई करने दो, चलो। हिमाद के स्कूल जाने के बाद जो है ना, जोहेब मेरे पीछे लग जाते हैं, जो जो मैं काम करती हूँ ना, बस मेरे पीछे खड़े होकर उन्हें भी वो काम करना होता है। तो यहाँ पर मैं सफाई में लगी हुई थी, तो सारे जो जार्स वगैरह थे ना, उनको मैंने वॉश करके रखा था। तो जोहेब ने जो है ना, उसमें जो क्या था, उसमें आई थिंक उसमें पिस्ता था, जो नमकीन पिस्ता होता है वो था, और वो जो है ना, जोहेब ने सारे जार्स में फिल कर दिया था। मुझे बोल रहे कि मम्मा मैंने भर दिया भर दिया। तो यहाँ पर माइक्रोवेव को ही मैंने साफ़ कर लिया है। थोड़ा सा मुझे किचन की जो क्लीनिंग थी वो मैंने कर लिया था, लेकिन आधी मेरी किचन की क्लीनिंग रह गई थी, तो ये सारे कवर्स वगैरह मैंने वॉश करके रख दिए थे, वो आधी मैं बाद में करूँगी, क्योंकि मैं हमेशा किचन की क्लीनिंग धीरे धीरे ही करती हूँ, पूरी एक साथ नहीं निकालती हूँ, क्योंकि मुझसे एक साथ होता नहीं है। तो यहाँ पर अभी जो काजू और बादाम वगैरह ख़त्म हुए ना, वो मैं फिल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है इस तरह से कुछ भी उठा के खाना, और जोहेब को भी पसंद है माशाल्लाह से, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको डाल करके रख देती हूँ। तो चलिए, भी हमारा जो किचन है वो साफ हो गया है, अभी हम चलते हैं अपने दूसरे कामों की तरफ। तो
तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने हिमाद के स्कूल में फ़ोन किया था, मुझे जाना है हिमाद के स्कूल, कुछ काम से मुझे जाना था, तो मुझे लग रहा था कि बाद में जाऊंगी तो चलेगा, लेकिन फिर मैंने उन्हें फ़ोन पे पूछा तो उन्होंने कहा कि आप 5 बजे तक कभी भी आ सकते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं आज ही चली जाती हूँ, मेरा जो काम है वो निमट जाएगा, तो इसलिए मैं फटाफट अभी यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ। अभी मुझे जोहेब को भी फ़्रेश कराना है, उसके बाद मुझे भी फ़्रेश होना है, उसके बाद जो है हम निकलते हैं हिमाद के स्कूल के लिए। तो चलिए मैं फटाफट मैं प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद रेडी होकर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी टाइम 1 बज रहा है, तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ निकलने के लिए। तो निकलने से पहले ना एक बात याद आई मुझे, एक बंदे ने ना मुझे कल कमेंट किया था कि आप बाहर जाते हो तो नोटिस क्यों लगाते हो, यूट्यूब पे ऐसे ही आते हो, तो मतलब उनको समझ में नहीं आ रही ये बात। तो मैं उनको यही बोलूँगी, अगर आपको समझ में नहीं आ रही ना तो आप मत समझिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ना सबको एक्सप्लेन करने के लिए, सबको सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बैठी हूँ। लिटरली मैं जो है ना सच में कुछ लोगों के जो कमेंट होते हैं ना उनसे मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ ना, मतलब सब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुझे चलाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं किसी की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलूँगी, जो मुझे सही लगेगा वो मैं करूँगी। मैं बाहर जाती हूँ तो मैं नकाब पहनती हूँ, और मैं यूट्यूब पर आ रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बगैर नकाब के जो है ना बाहर चली जाऊँ, जो मतलब मैं नॉर्मली करती हूँ वो चीज़ें तो मैं करूँगी। यूट्यूब के लिए जो है ना मैं सारी चीज़ों को नहीं छोड़ सकती, यूट्यूब को जो है ना एक टाइम पर मैं छोड़ सकती हूँ, लेकिन इन चीज़ों को मैं नहीं छोड़ सकती। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये आपकी अपनी सोच है, आपको समझना है नहीं समझना है, आपको जैसे लेना है ना आप ले सकते हो। और ये जो मेरा रिप्लाई है ये सिर्फ उसी बंदे के लिए या बंदे या बंदी के लिए है जिसने कॉमेंट किया था, क्योंकि लिटरली मैं परेशान हो गई हूँ उनको इस मतलब उन जैसे लोगों को जवाब देते देते। तो खैर चलिए मैं भी यहाँ से निकल रही हूँ, और अभी मैंने फ़ोन करके पूछा था उनको कि वो अवेलेबल हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि 5 बजे तक वो रहेंगे, तो अभी मैं जा रही हूँ हिमाद के स्कूल। तो चलिए मैं आपसे जो है ना आने के बाद मिलती हूँ, क्योंकि मैं रास्ते में कुछ शूट नहीं करूँगी, क्योंकि जो हमारे जोहेब है ना मुझे परेशान करते रहेंगे। तो चलिए निकलते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं लेके आई हूँ जूस का, यहाँ देखिए है हमारे गन्ने का जूस, गन्ने का जूस हम लोग लेकर आ गए हैं। नहीं ये रख दो बेटा, ये रख दो, ये फ्रिज में रख दो, इसमें है अंडे है। ये लो ये लो ये लो, गन्ने का जूस पिएंगे है ना। हटो हटो, चलो निकाल के दो जूस, हटो हटो जल्दी हटो जल्दी हटो जल्दी हटो। तो अभी हिमाद के स्कूल से मैं आ गई हूँ, ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा वहाँ पर, 15-20 मिनट मुझे लगे थे, और बस जाने आने का जितना टाइम था बस वही था। और अभी मैं यहाँ पर लेकर आ गई हूँ गन्ने का जूस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और जहाँ पे ये मुझे दिख जाता है ना मैं सोचती हूँ कि मैं पी लूँ। और यहाँ पर मैं लेकर आ गई थी चिकन, और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और इसे मैंने ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, और यहाँ पर 1/2 से कम मैंने लेमन ले लिया है, और 1 टीस्पून मैंने लिया है ग्रीन चिली का पेस्ट। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसको मैरिनेट करके 1/2 घंटे के लिए रख दूँगी। तो चलिए इसको हम फटाफट मिक्स कर लेते हैं, और इसको मैं क्लीन रैप से मैरिनेट करके बाहर ही रखूँगी, फ्रिज में नहीं रखूँगी। आज मैंने सोचा कि बच्चों को ना थोड़ा सा ट्रीट दे देते हैं, मैंने बहुत दिन हुआ कुछ बनाया नहीं है। और यहाँ पर जो है ना मैं तैयारी कर रही हूँ चिकन पहाड़ी टिक्का की, तो चलिए मैंने अभी इसको रख दिया है, और साथ ही मैंने यहाँ पर दही रखा है, क्योंकि मुझे हंकड़ चाहिए और हंकड़ मैंने मंगाया नहीं है। तो बस यही होता है कि दही को जो है ना आप इसका पूरा पानी निकालने के लिए एक छलनी में रख दीजिए। तो अभी चिकन को मैरिनेट किए हुए 1/2 घंटा हो गया है। यहाँ पर जो हमारा दूसरा मसाला है वो मैं रेडी कर रही हूँ, मुट्ठी भर मैंने कोथमीर लिया है, मुट्ठी भर ही इसमें पुदीना लेना है, लेकिन मेरे पास फिलहाल पुदीना नहीं है, वो मैं बाद में लूँगी। और यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने अच्छे से पीस कर इसका एक पेस्ट बना लिया है। अब मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया है, और उसमें मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल, और यहाँ पर जा रहा है कसूरी मेथी का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और 1/4 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर पाउडर, और 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है, साथ ही हम इसमें नमक डाल देंगे, नमक आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी इसमें नमक डाला है, और पिंच ऑफ मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, ताकि जो हमारा चिकन है उसको अच्छा सा ग्रीन कलर आए और वो काला वगैरह ना पड़े, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है। तो अभी जो चिकन को हमने मैरिनेट करके रखा है इसका सारा पानी हम अच्छे से स्क्वीज़ करके इस चिकन को इस मसाले में ऐड कर देंगे। इसका पानी आप अच्छे से निकालिएगा, तभी चिकन में जो है सारा मसाला अच्छे से कोट हो पाएगा। तो चलिए इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे जो हमने ग्रीन मसाला बना कर रखा है, वो हम यहीं पर ऐड कर देंगे। आपके पास अगर पुदीना है तो आप साथ में ही कोथमीर पुदीना वगैरह सब पीस लीजिए, लेकिन मेरे पास पुदीना नहीं था तो मैंने सोचा कि मैं इसमें बाद में ऐड करती हूँ। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ दही, और बाद में मैंने इसमें ऐड कर दिया था चाट मसाला पाउडर, वो भी आपको देखकर ऐड करना है। नमक का आप जो है ना अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। आप चाहो तो इसको होल नाइट भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं 6-7 बजे तक इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं, मैं जो है ना जाके सो गई थी, तो अभी यहाँ पर जो है ना हिमाद भी आ गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि चाय पीने तक जो है ना फिर मुझे मेरा दिमाग काम नहीं करता है जब तक कि मुझे शाम की चाय ना मिले। तो चाय मेरी हो गई है, तो यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा रही हूँ जो मेरे मनी प्लांट की बेल है, और माशाल्लाह से वो बड़ी हो गई है, बहुत दिन के बाद जो है ना ये फूटना स्टार्ट हुई है। तो ये देखिए, इसको मैंने हाफ इसकी बेल जहाँ से पत्ते लग रहे थे ना, जहाँ से उसकी जड़ मुझे दिख रही थी, वहाँ से मैंने इसको कट कर लिया है। और ये मेरे पास वॉश रखा हुआ है, मैंने सोचा कि चलो मैं इसमें लगाकर इसको ट्राई करती हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने मनी प्लांट को इसमें लगाया है, देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। मैंने लोगों को देखा है लगाते हुए, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं भी ट्राई करती हूँ। वैसे तो वॉश रखा ही हुआ है, तो यहाँ पर जो है अभी हमारे जो शोपीस रखे हुए हैं उसी के पास मैं इसको रख दूँगी। तो चलिए, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो भी थोड़ा सा मेकओवर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या चेंजेस घर में किए हैं। तो यहाँ पर जो हमारी वॉश लगी हुई थी ना, वो मैंने निकाल दिया है, और ये दूसरी वाली क्लॉक जो लगी हुई थी वो मैंने निकाल दिया, और दूसरी वाली मैं लेकर आ गई थी, बहुत दिन से लाकर रखी हुई है, लेकिन मैंने इसको लगाया नहीं था। मैं सोच रही थी कि जब यहाँ की जो जाली आपको दिख रही है ना गोल्डन वाली, ये लगेगी तो मैं इसको लगाऊँगी, तो फाइनली ये लग गई है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज लगा देती हूँ। तो माशाल्लाह से इसको लगने के बाद आप इसका लुक देखिए, तो माशाल्लाह से ये जो क्लॉक है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप लोगों को कैसे लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वाला जो वॉश है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेम वाला वॉश है आई थिंक, तो इसको मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से, और इसको ही मैंने रखा हुआ था। मैंने सोचा था कि जब मेरा पूरा घर का काम हो जाएगा तो ही मैं इन चीज़ों को लगाऊंगी, क्योंकि बार बार ऐसे हो रहा था कि काम मेरे पेंडिंग हो रहे थे और सारी चीज़ें लग रही थी, तो जो ओवरऑल उसका लुक है ना वो मुझे नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि सारा काम हो जाएगा तो ही मैं जो दूसरा डेकोरेशन है वो करूँगी। तो माशाल्लाह से इसको मैंने लगाया है, और इसको लगा करके आप लोगों को कैसे लग रहा है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं आपको घर का ना पूरा लुक दिखा देती हूँ। तो आज मैंने सोचा था कि मैं ना स्नैक्स में ये चीज़ बनाऊंगी, हिमाद को जो है ना अच्छा लगेगा स्कूल से आकर खाने के बाद में, लेकिन मैं जाके सो गई थी। फिर अभी मैंने सोचा कि चलो मैं इसको जो है ना डिनर में ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मंगा लिया था पुदीना, तो ये पुदीना आ गया है, तो मैं इसको भी फटाफट ले लेती हूँ। इसका मुझे पेस्ट बनाना है, और साथ में मुझे पुदीने की चटनी भी बनानी है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 हरी मिर्च, और साथ ही मैंने इसमें कोथमीर भी ऐड की है। तो इन सब चीज़ों को मुझे पीसना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से जो है ना पुदीने की चटनी बनाती हूँ। तो यहाँ पर कोथमीर और पुदीना दोनों मैंने ले लिया है, साथ में मैंने इसमें 2 हरी मिर्च ऐड कर दिया है। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद है। नमक हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा हम इसमें लेमन स्क्वीज़ कर देंगे, और ऊपर से हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले, जैसे कि यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, ज़ीरा पाउडर। तो चलिए इसको हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा है, पहले वो जो हमारा कोथमीर पुदीने का पेस्ट है वो पेस्ट हम पहले इसमें ऐड कर देंगे, उसके बाद जो है ना हम इसमें पानी ऐड करके इसको फिर से पीस लेंगे, तो हमारी जो पुदीने की चटनी है वो बन करके रेडी हो जाएगी। जो स्टार्टर्स वगैरह हम बाहर खाते हैं ना रेस्टोरेंट वगैरह में, उस तरह का जो है ना ये चटनी में टेस्ट आएगा। तो आप लोग इस चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए इसको मैं भी पीस लेती हूँ। पहले ना मुझे पुदीने की चटनी पसंद नहीं आती थी, लेकिन फिर बाद में जो है ना खाने के बाद आप लोगों को जो है इस बात का भी एहसास होता है कि आपको क्या चीज़ पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो चलिए हमारी पुदीने की चटनी रेडी हो गई है, और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ सैलेड। जो सैलेड हम बाहर खाते हैं रेस्टोरेंट में स्टार्टर के साथ में, जो रेड कलर का होता है, वो मैं यहाँ पर बना रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया है प्याज फाइनली चॉप, और कैबेज को भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, और टमाटरों को भी मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ नमक, हल्का सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर,
और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें लेमन स्क्वीज़ कर दिया है। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इसे जो है ना एक डार्क आपको रेड कलर भी मिलेगा और जैसे हम बाहर खाते हैं ना वैसे आपको टेस्ट भी आएगा। तो चलिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा ही रेड चाहिए तो आप इसमें जो है ना फूड कलर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने स्कीवर्स मेरे हैं इनको मैंने पानी में डिप करके रखा था। तो चलिए अब हम फटाफट बना लेते हैं चिकन टिक्का, यानी कि चिकन पहाड़ी टिक्का। तो चलिए भी फटाफट हम इसको जो हमारे स्कीवर्स हैं इस पर लगा लेते हैं। ये काम ना मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस तरह से चिकन को स्कीवर्स पर लगाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये काम मैं बार बार करती रहूँ। और जो मैंने चिकन लिया था ना, मैंने भैया को बोला था कि थोड़ा सा बड़े पीस रखना, लेकिन भैया ने पता नहीं कौन सी धुन में थे, उन्होंने छोटे छोटे पीस कर दिया। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं बना लेती हूँ, क्योंकि लगाना तो हमें स्कीवर्स पर ही है इसको। लेकिन क्या होता है, अगर आप एकदम परफेक्ट साइज़ रखते हो ना तो चिकन जो है ना, अगर आप जैसे जैसे फ्लिप करते हो तो चिकन आराम से पकता है, लेकिन जब छोटे छोटे साइज़ रखते हो, एक छोटा एक बड़ा हो जाता है ना, थोड़ा सा आप इसको अच्छे से फ्लिप कर करके आपको बस इसको सेकना होता है। तो चलिए अब हम फटाफट सारे जो हमारे स्कीवर्स हैं इस पर चिकन लगा लेते हैं। तो ये देखिए सारा चिकन हमने लगा लिया है और अब यहाँ पर हम इसको बना रहे हैं पैन में। आप चाहे तो माइक्रोवेव में बना सकते हैं, लेकिन आप सबका ये होता है कि पैन में बताएं या फिर तवे में बताएं। तो तवा मैंने ले लिया है, हल्का सा मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, हल्का सा यानी कि 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। तो अभी हम फटाफट जो हमारे टिक्के के पीसेस हैं वो सारे हम तवे के ऊपर रख देंगे और इसको जो है ना हम पकने के लिए छोड़ देंगे। बस आपको करना ये है कि आप उसको चेक करते रहें उलट पुलट करके, मीडियम फ्लेम पर आप इसको पकाएं, एकदम लो फ्लेम ना करें। अगर आप लो फ्लेम करेंगे तो चिकन फिर पानी छोड़ना स्टार्ट करेगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसको मैंने दूसरे वाले गैस पे शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पर मैं रेडी कर रही हूँ चिकन टिक्के का मसाला, जो कि मैं आज अपने डिनर में बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है, 8 से 10 मैंने काजू लिए हैं, थोड़ी सी कोथमीर, थोड़ा सा पुदीना और 4 मैंने हरी मिर्च ले लिए है और उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं सालन क्या बनाऊँ, तो फाइनली मैंने सोचा कि चलो चिकन टिक्का तो बन ही रहा है, उसी के पीसेस यूज़ करके हम सालन बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन, उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। बस इसको 3 से 4 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है जो हमने मसाला पीस के रखा है। तो चलिए इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 15 से 20 मिनट हम इस मसाले को पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है ऊपर से नमक। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पहाड़ी टिक्के का क्या हाल है। तो मैंने इसको फ्लिप कर दिया था एक मरतबा और यहाँ पर जो है ना मैं इसको थोड़ा सा साइड से जो है ना टर्न करके भी इसको मैं पका रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया पीसेस ना छोटे छोटे हो गए थे, थोड़ा सा इसको मुझे एक्स्ट्रा मेहनत लग रही है पकाने में। तो जो छोटे वाले पीसेस हैं ना वो नहीं पके थे, उस पर ग्रिल मार्क्स नहीं आए थे, तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से फ्लिप करके भी पका लिया है। तो एक बैच जो है ना मेरा रेडी हो गया है, इसको मैं निकाल लेती हूँ और जो हमारे दूसरे बचे हुए टिक्के हैं उनको भी हम इसी तरह से पका लेंगे, यानी कि फ्राई कर लेंगे। तो हमारा टिक्का बन करके रेडी हो गया और यहाँ पर ये देखिए हमारा मसाला भी पक गया है। तो जो बचा हुआ मसाला था, जो हमने चिकन मैरिनेट किया था ना, उसका बचा हुआ मसाला मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से रेडी हो गई है। तो यहाँ पर जो है मैं चिकन टिक्के के पीसेस ऐड कर रही हूँ, आपको जितना पसंद है आप उतना ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिलहाल 2 स्कीवर्स के जो चिकन थे वो मैंने ऐड कर दिया है। बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें जो है ना 1 ग्लास से भी कम, यानी कि आधा ग्लास पानी हम इसमें डालेंगे और इसको हम ढक करके वापस 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि चिकन का जितना भी फ्लेवर है सारे ये ग्रेवी में आ जाए। उसके बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी चिकन टिक्का ग्रेवी बन करके जो है ना रेडी हो गई है और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और मैं आपको साथ ही दिखा रही हूँ यहाँ पर चिकन पहाड़ी टिक्का जो हमने बनाया है, इसकी मैं प्लेटिंग कर रही थी और सबसे यमी जो है ना जो मुझे लगा इसमें, एज़ यूजुअल टिक्का तो हमारा टेस्टी था ही, लेकिन ये जो मैंने सैलड बनाया था ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था, क्योंकि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था। मैं हमेशा ये वाला सैलड नहीं बनाती हूँ, जो नॉर्मल सैलड होता है वो मैं बनाती हूँ, लेकिन ये सैलड जो है ना मुझे पूरा रेस्टोरेंट का टेस्ट दे रहा था। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा ना चिकन दिखाती हूँ कि किस तरह से जो है ना हमारा चिकन पका है। और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इसमें सॉफ्टनेस थी और टेस्ट तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त था। तो आप लोग इन सब रेसिपी को एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको और आपके घर वालों को, बच्चों को, सबको पसंद आएगा। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।